हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सी ए सतीश अनेजा, और आज मैं आया हूँ आपके सामने लेकर एक नई कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी। जी हाँ, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी कॉमर्स के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, तो यहाँ पर भी मैं एक नई वैकेंसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है उत्तराखंड में, और मजे की बात है जब मैंने इसको ट्रेस किया तो देखा कि हर साल उत्तराखंड में वैकेंसी आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर कॉमर्स का सिलेबस को अपडेट कर दिया गया, और आज ही अपडेट किया गया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने नए सिलेबस को डाला है, ठीक है जी। तो वो नया सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप देखेंगे 541 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, 541 पोस्ट हैं, उसके ऊपर पूरी मैं यहाँ पर डिटेल देने वाला हूँ आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल आप देख पा रहे हैं कि लेखाकार का एक पद है, उसके बाद 9 पद हैं, उसके बाद सहायक लेखाकार के 469 हैं, उसके बाद अलग अंतर्गत लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर के 57 पोस्ट हैं, पावर ट्रांसमिशन में अलग हैं ये। तो टोटल 541 पोस्टों का यहाँ पर विज्ञापन इन्होंने 5 तारीख को जारी किया था, जिसको 26/3 तक, जी हाँ 26/3 तक भरा जा सकता है, और जुलाई में इसके एग्जाम लेने के पूरे पूरे आसार हैं, ऐसा इन्होंने बताया है, ठीक है जी। तो आपके पास अच्छा खासा तैयारी को इन्होंने समय दिया है। चलिए, तो जुलाई में इसके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आगे हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो 400 इन्होंने कैटेगरी बता दी है कि इतने इतने पोस्ट हैं, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक सिस्टम होता है OTR, जैसे राजस्थान में यहाँ पर SSO ID वाला सिस्टम है, यहाँ पर एक OTR आपको एक प्रोफाइल बना के रखनी है, उसके बाद आप फॉर्म भरें, नहीं तो फॉर्म भरने वाला सिस्टम सही नहीं माना जाएगा इनके हिसाब से। अच्छा, एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकता है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि कैसा लेगा वो, ठीक है जी। और पिछले एग्जाम देखे तो ऑफलाइन ही लिए हुए इन लोगों ने, ऐसा इनका भी ट्रैक रहा है पीछे। अच्छा, यहाँ पर एक वैकेंसी अभी ऑलरेडी चल रही है जो 2020 में आई थी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और 2021 में इन्होंने नई वैकेंसी निकाल दी, और राजस्थान में सारी वैकेंसियां रोक के रखी हुई है कॉमर्स वालों के लिए, और उम्मीद करते हैं राजस्थान में भी अच्छी वैकेंसी आ जाए। तो यहाँ पर जो इनकी वैकेंसी है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है, ठीक है। वेतनमान इन्होंने दे रखा, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष, बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। शैक्षिक और यहाँ पर लिखा हुआ है BCOM, और साथ ही साथ कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड चाहिए, इन्होंने ये क्लियर कट माना है कि टाइपिंग आपके लिए जरूरी है। अच्छा, और अगर आपके मार्क्स बराबर हैं तो एज को प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर बात की है कि 100 अंकों की परीक्षा है, जी हाँ 100 अंकों की परीक्षा है, और 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और सारे के सारे कॉमर्स के पेपर हैं। मजे की बात यह है कि सारे क्वेश्चन कॉमर्स के ही होने वाले हैं, सभी में यही सिलेबस है, सभी में यही सिस्टम है। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपके पास, और आपका क्या होना चाहिए, सेम पेपर होने वाला है, बस यहाँ पे कहीं पे टाइपिंग है कहीं पे टाइपिंग नहीं है, ये आपको देख लेना है जिस पोस्ट के लिए है। तो ये विज्ञप्ति मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर इसको जाके आराम से देखिए, ठीक है जी। सहायक लेखाकार के लिए 467 जहाँ पद हैं, उन वहाँ उन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से शहर में और कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये जॉब होने वाली है, तो ये क्लियर कट इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। सेम इसके लिए भी देख लेते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए, तो इन्होंने ये डिपार्टमेंट वाइज बता रखा है कि कितनी कहाँ कितनी पोस्ट हैं। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर भी 29,200 से 92,300 लेवल 5 की जॉब है, 21 से 42, सेम डिग्री वही चाहिए और टाइपिंग चाहिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। पेपर 100 अंकों का ही है, 2 घंटे का ही है, तो क्लियर कट ये लिखा हुआ है। बाकी इसके नियम कायदे आरक्षण की सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये आपने ये सारा ये देखा, ये वैकेंसी कहाँ पर आई हुई है, उत्तराखंड में आई हुई है। तो आरक्षण के नियमों को जरूर से चेक कीजिएगा, और हिंदी में दिया हुआ है थोड़ा सा इनको, है ना। अच्छा, अब मैं आगे इसके ऊपर चर्चा करूं तो यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने सिलेबस आज ही अपडेट किया इन्होंने, और काफ़ी बढ़ा दिया है पहले से सिलेबस को। इसके जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं वो मैंने ऐप में ओपन रख दिए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कॉमर्स वाला जो कोर्स है वहाँ पर आप देखेंगे, कॉमर्स वाला जो कोर्स है आप वहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक वहाँ पर पास्ट ईयर पेपर का है, वहाँ पर सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप प्रैक्टिस भी करना चाहें तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, ओपन है, फ्री ऑफ ऑल। साथ ही साथ आप टेस्ट भी देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर एक बैच कोड ऑलरेडी है, तो वहां से आप टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री में। चलिए, अभी हमने पेड टेस्ट नहीं लॉन्च किया है, तब तक आप फ्री में वहां पर टेस्ट दीजिए। सिलेबस में आप देखिए यहां पर अब सिलेबस काफी बढ़ा दिया इन्होंने, पहले जो मैंने सिलेबस कल डाउनलोड किया था और आज डाउनलोड किया तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, सिलेबस में भी चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यूनिट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यहाँ पर आपका जो नॉर्मली 11th 12th वाला सिलेबस होता है वो आ गया है।
एडवांस अकाउंटिंग में यहाँ पर ट्वेल्थ के कुछ टॉपिक, देखिए ऊपर तो इलेवंथ के ज्यादा टॉपिक थे, यहाँ पर ट्वेल्थ के टॉपिक्स को ऐड कर दिया है सेकंड में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यहाँ पर पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर दिया इन्होंने, ग्रेजुएशन मान के चलिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में अब कॉस्टिंग आ गया है, कॉस्टिंग के काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। एफएम आ गया है, ठीक है जी, एफएम के टॉपिक्स यहाँ पे कर दिए हैं। टैक्सेशन, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों कर दिया यहाँ पर। अब इन्होंने जो किया है, मुझे बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ा दिया इन्होंने। अब ये सारे एक्ट हैं, इन सबको आपको पढ़ना है, हालांकि बेसिक ही आता है इनका, तो फिर भी इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीजें लॉन्च कर दी। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारा इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है साथ में कि अमेंडमेंट्स को ध्यान दीजिएगा। ऑडिटिंग, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक्स डाल दिया, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिक डिमांड के टॉपिक डाल दिए यहाँ पर इन्होंने, यानी कि माइक्रो डाला है आपका। उसके बाद ये माइक्रो के टॉपिक्स हैं, और मैक्रो भी डाल दिया इन्होंने, देखिए फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिसिट, मनी, बैंकिंग सिस्टम, ये जो आपका आता है ये सारे टॉपिक डाल दिए हैं। बिजनेस मैनेजमेंट इन्होंने डाल दिया है यहाँ पर, जो आपका मुझे देख रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और ये सारे टॉपिक यहाँ पर डाल दिए इन्होंने। बिजनेस स्टैट्स डाला है यहाँ पर, देखिए स्टैट्स के टॉपिक भी इन्होंने यहाँ डाल दिए हैं। अच्छा, उसके बाद मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये अगेन ऊपर जो थोड़े टॉपिक्स थे उसको यहाँ पर, जो बैंकिंग में आता है वो सारे टॉपिक्स को भी यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स साथ में, अच्छा, इलेवन जो बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक इन्होंने डाले हैं, तो उम्मीद करते हैं अभी तो हम काफ़ी कंटेंट बना रहे हैं, इसको भी हम एड ऑन करवा देंगे अपनी ऐप में, तो स्टडी मटेरियल तो आपको कम से कम मिल जाएगा। वीडियोस का अगर हमारे पास समय हुआ, अभी हम इसके लिए कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, वीडियोस की हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको प्रोवाइड करवा दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये सारे नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम, जो आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सारे के सारे मैं वहाँ पर आपको डलवा देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।